वेलकम बैक टू माई चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैंने लगातार दो दिन से ये वीडियो डाल रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे आप पढ़ सकते हैं फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द कम्पिटेटिव एग्जाम। तो आज मैं बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में और आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड के लिए और जे या एडवांस के लिए भी, यानी कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, मैथमेटिक्स में जो भी सिलेबस है 11th और 12th मिला के, दोनों अलग अलग नहीं है, यानी कि एक कंटिन्यूस सीरीज में है। क्योंकि देखो, इस चैप्टर का यूज उसमें आएगा, कैलकुलस है तो कुछ पार्ट इसमें है, कुछ उसमें है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसका भी यूज आ जाएगा कैलकुलस में, तो कुछ पार्ट इसमें है, कुछ उसमें है। यानी कि 11th और 12th एक साथ और कंपेयर करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोर्ड में तो 11th का पोर्शन नहीं आता है, लेकिन 12th में उसका यूज ज़रूर आता है। इसीलिए जो भी 11th का चैप्टर है वो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन है, ये सब का कंसेप्ट, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, यानी कि कंसेप्ट तुम्हारा इस पर लेकिन अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉर कैलकुलस एंड फॉर द बिगनिंग ऑफ एनी हायर मैथमेटिक्स, तो और ये पोर्शन भी क्लास 11th में है, तो इसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला बेस्ड है और मतलब कंसेप्ट भी है, और फार्मूला तुमको अच्छे से याद होना चाहिए इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका कॉनिक सेक्शन से जो भी टॉपिक्स है, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो इसमें जो भी इक्वेशंस है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू जेईई मेंस एंड एडवांस, यू कैन सी द प्रीवियस ईयर्स एंड सैम्पल पेपर्स टू एनालाइज योर सेल्फ एंड डू बेटर इन दिस कोर्स। तो अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो देखो, क्लास 11th में स्टार्टिंग है, यानी कि लिमिट्स है और जो भी डेरिवेशन, यानी कि डेरिवेटिव का जो भी फार्मूला है, बेसिक क्वेश्चंस है, तो लिमिट्स से ही एक तरह से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। और बाकी क्लास 12th में इसका डिटेल है, एक तरह से कह सकते हो कि स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस का विद द चैप्टर्स ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जो भी फार्मूला है वो तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखो, डेरिवेटिव एंड लिमिट्स इज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलकुलस, जो कि क्लास 12th में एलोबरेट होगा। लेकिन तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए और कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, किस तरह से स्लोप डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तुम्हें इमेजिनेशन भी करना होगा, तो तुम्हारा ये अच्छा होना चाहिए पोर्शन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ कंसेप्ट यूज होता है इसमें, तो वो भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो और भी छोटे छोटे चैप्टर्स है, लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन है, PNC है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, क्योंकि ये सब का यूज तुमको आगे वाले चैप्टर यानी क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी में आएगा, तो ये सब भी स्ट्रांग होना चाहिए चैप्टर्स। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसका जो भी फार्मूला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका तो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, कभी कभी फिजिक्स में भी यूज हो जाता है, तो ये चैप्टर्स तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये सब। तो अब बात करते हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बारे में। तो स्टार्टिंग का चैप्टर कोरिलेट कर सकते हो स्टार्टिंग का चैप्टर विथ क्लास 11th, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन का ही ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो शुरू में ये पढ़ाया जाता है। और ये चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर जेईई मेंस एटलीस्ट, क्योंकि जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे चैप्टर्स आता है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे इन्वर्स है इसका, और इन्वर्स फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब बात करते हैं कैलकुलस में। तो स्टार्टिंग इसका कह सकते हो कि क्लास 11th में शुरू हो गया था, और यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, या कोई और भी एग्ज़ाम हो। और इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा कंसेप्ट्स है और बहुत अच्छे, मतलब कि यानी कि इसमें एप्लीकेशन भी बहुत सारा है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसका, तो ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। और कैलकुलस में ये सब चैप्टर्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो भी फार्मूला है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतने सारे फार्मूला है और कॉन्सेप्ट्स है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 3-4 घंटा मेरे हिसाब से मैथ्स पे देना चाहिए,
इन अ वन डे, और उसके बाद सैम्पल पेपर लगाना चाहिए। तो इंटीग्रेशन हो गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास ट्वेल्थ में। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, जेई मेंस एडवांस हर जगह। तो ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए तुम लोगों का। और जैसे भी अभी मैंने बात कर रहा था क्लास एलेवेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉनिक सेक्शन से सब है, उसी तरह से इधर भी उसका यूज होगा इसमें। और इसके अलावा इसमें 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा ये सब है, यानी कि तुम्हें वेक्टर के साथ डील करना है विथ एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री जो भी 3D में यूज होता है। तो ये भी चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर्स है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। और भी ये कंसेप्ट इसमें काफ़ी है, फॉर्मूला भी ज़्यादा है, तो ये चैप्टर्स अच्छे से करना चाहिए। वेक्टर से रिलेटेड है और 3D ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे तो मतलब कि हर जगह क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन में, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें PNC का कंसेप्ट यूज होता है, बाइनोमियल का भी कंसेप्ट यूज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेई मेंस एडवांस एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टिप्स था कि मैथमेटिक्स में तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड के लिए या फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।